मौलाना अगला सवाल दिल्ली से किया है डॉक्टर गजदर साहब ने। उन्होंने लिखा है, आपकी किताब मोहम्मद प्रॉफिट ऑफ रेवोल्यूशन में आपने बताया कि प्रॉफिट पूरी जिंदगी जंग के मैदान में कुछ 2 से 2.5 दिन रहे। बहुत से मुस्लिम उलेमा इससे इत्तफाक नहीं रखते हैं, ऐसा क्यों है? इतफाक़ नहीं करते हैं तो वो किताब का हवाला दें, वो उनके अपने दिमाग में है, किताबों में तो है नहीं, उनके अपने दिमाग में। आप देखिए, उहद की लड़ाई हुई एक ही दिन में ख़त्म हो गई, बद्र की हुई एक ही दिन में ख़त्म हो गई, हुनैन की हुई एक ही दिन में ख़त्म हो गई, खैबर का जो था वो मुहासरा था, वो लड़ाई नहीं थी, नहीं सीज था, वो सीज तो वो थोड़ा लंबा हुआ था, बाकी लड़ाई तो वो भी नहीं थी, मामूली कुछ स्कर्मिश हुई थी। तो सच पूछे तो इस पर जो किताब आप पढ़िए उसको, यानी प्रॉफिट ऑफ पीस, प्रॉफिट ऑफ पीस मैंने दिखाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बाकायदा वार तो हुई ही नहीं, सब स्कर्मिश थी, यानी फुल फ्लेज्ड वार एक भी रसूलुल्लाह नहीं लड़े, फुल फ्लेज्ड वार का जो कोई रसूलुल्लाह का कोई मिसाल नहीं, चंद हुई वो सब स्कर्मिश थी, यानी झड़पें बस।